हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग आइडिया दिल्लू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रही हूँ कि पीको किस तरह से करना है। फ्रेंड्स, सादी मशीन से जिगजैग नहीं होते हैं, सिर्फ प्लेन सिलाई हो सकती है। तो मैं आज आपको इस मशीन से सादी मशीन की तरह पीको कैसे करते हैं वो इस वीडियो में सिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो फुट है इसे चेंज करना होगा। फ्रेंड्स, ये फुट चेंज होता है, सादी मशीन में स्क्रू होता है, उसे खोलने के बाद ही ये फुट चेंज होता है। और इस मशीन में तो हम ऑटोमेटिक फुट को निकाल सकते हैं। तो इस तरह का फुट है ये इस मशीन का, और जो सादी मशीन होती है उसका फुट हम पेच या नट की सहायता से हमें खोलना पड़ता है। तो आप मार्केट में जाकर के, आप ये वाला पीको का फुट है तो आप मार्केट में जाकर के जो सादी मशीन होती है उसका फुट लेकर के आए। ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपये का फुट आएगा, तो आप मार्केट से लेकर आए। इस तरह का होगा फुट। अब ऐसा फुट आप सादी मशीन में भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एम्ब्रॉयडरी मशीन में ही ये फुट काम में आए। तो आप ऐसा फुट लाकर के मशीन पर लगा ले, पेच की सहायता से उसे बंद कर ले और इस तरह से आप लगा ले। ये ऑटोमेटिक है तो इसे रखने पर भी ये बंद हो गया है। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसमें आप स्ट्रेट सिलाई कर सकते हैं, आप जिगजैग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सादी मशीन में सिर्फ सीधा ही चलता है, जिगजैग नहीं चलता है। तो अब देखिए, ये तो अपन को छेड़ना ही नहीं क्योंकि सादी मशीन में होता ही नहीं है। और ये देखो, मैंने स्ट्रेट सिलाई रखती है, जिगजैग ये वाली है, तो ये हमें मतलब जो एम्ब्रॉयडरी मशीन में काम आती है। अब हम तो प्लेन मशीन में बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ये स्टिच, सीधा स्टिच रखना है। ये पास वाला तो है, सुई को साइड में करके स्टिच करने का, ये पास वाला है, तो हमें ये फर्स्ट वाला लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ सादी मशीन से कैसे पिको करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है और हमें जिस कपड़े पर पिको करना है उस कपड़े को आप इसके ऊपर रखें। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको कैसे समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। ये धागा मैंने ग्रीन कलर का इसलिए लिया है ताकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टिच आता है, पर पीको का धागा अलग होता है। तो वो पीको का धागा आप सादी मशीन में यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी से टूटने लगता है। तो आपको कोई भी धागा मतलब ले सकते हैं जिससे आप स्टिच करते हैं, सिलाई करते हैं, वही आप धागा इसके अंदर यूज़ करें। और हम पिको करते वक्त थोड़ा सा कपड़ा ऊपर रखें और मशीन को चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से पिको हुआ है। देखिए, बहुत ही अच्छा पिको हुआ है और एकदम पतला सिलाई भी हुआ है, ये आप देख रहे होंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पिको करना है। हम घर पे ही पिको कर सकते हैं क्योंकि मार्केट के पिको बहुत ही महंगे हो गए हैं। तो आप घर पर इस तरह से पिको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।